तो बच्चों देखते हैं कि सेक्शन जो थर्ड था यहां पर फिजिक्स का वो कैसा रहा था तो आपने देखा एस सी क्यू क्यू एंड इसके बाद जो है इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो थे नॉन नेगेटिव इंटीजर वो आपके एग्जाम के अंदर आए थे तो लेटर सी यहां पर जो था इस सेक्शन के अंदर जो है बच्चों छह क्वेश्चंस क्वेश्चन फॉरवर्ड था अगर मैं आपको बोलूं कि ये कहां से था और किस तरह से करना है इसे, तो पहली चीज मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं कि करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका आंसर जो होगा ट्वेंटी पावर थ्री दैट इज द करेक्ट आंसर ट्वेंटी पावर थ्री दैट इज द करेक्ट आंसर ये जो है आपका क्लास इलेवेंथ के सिलेबस से था आप जो है थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ते हैं यहां पर एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ते हैं वहां पर जो है कैलोरीमेट्री वाला पार्ट पढ़ते हैं तो एग्जैक्टली exactly अगर मैं देखूं तो ये कैलोरीमेट्री वाले पार्ट का था एंड दिस क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड एज इजी क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला है स्पेसिफिक डिपेंडेड इन गिवन बाई दी इज इक्वल टू के टी तो आपको जो है पता होता है कि स्पेसिफिक हीट निकाली जाती है डी क्यू डिवाइड बाय एम

है दैट फ्रॉम माइनस सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस आपको लेके जाना है सो वट विल बी दैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल टेपरेचर अगर आप यहां निकालेंगे तो माइनस सेवेंटी थ्री के अंदर आपको जो है टू सेवेंटी थ्री एड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इंटू दलविन तो यहां पर दो सौ कैलविन इसका इनिशियल टेम्परेचर था एंड फाइनल टेम्परेचर विल भी ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस जो वैल्यू है उसके अंदर टू सेवेंटी थ्री जैसे ही आप एड करते हैं तो थ्री हंड्रेड कल्विन ये आपका वैल्यू फाइनल टेम्परेचर का हो जाता है अब यहाँ पर डेटा में पुट कर देता हूं बच्चों डीक्यू मतलब जो है, अमाउंट ऑफ हीट जो है आपको यहाँ निकल के आ जाएगा, K is a constant, उसके बारे में टेंशन इंटीग्रेशन जो है T का, T square by 2 हो जाता है का, एंड टू हंड्रेड के लेके जा रहे हैं जरा डेटा पुट करते हैं डेटा डालेंगे नाइन इंटू टेन टू बन जाएगा एंड ये बन जाएगा फोर इंटू टेन टू फाइनल जो आंसर निकल के आता है दैट विल बी इक्वल्स टू फाइव इंटू टेन टू पावर फोर हो जाता है जैसे ही मैं उसे डिवाइड करता हूं टू से तो उसे लिख सकता हूं मैं 25 10 3 K. तो ये आपकी अमाउंट ऑफ हीट इस क्वेश्चन के के अंदर निकल के आती है दैट इज हाउ आई कैन से दैट ये क्वेश्चन जो था इजी ही क्वेश्चन था आसान क्वेश्चन था एग्जामिनेशन के अंदर लेट सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो नाइन्थ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था आप लोग की स्क्रीन पर यह रहा ये क्वेश्चन जो था बच्चों को जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाले सेक्शन के अंदर भी जो नोड एंटी नोड वाला क्वेश्चन था वो एक टिपिकली जैसे जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसी तरह से जो है ये क्वेश्चन बनाया गया यहां समझते हैं बच्चों हो क्या रहा है ठीक है सबसे पहली चीज यहां पर दिया गया है क्वेश्चन को समझना अच्छे से डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सेस डिस्क का मास एम है एंड रेडियस आर है तो ये जो है इस एक्सेस के अराउंड जो है रोटेट कर सकती है ठीक है

स्पीड ओमेगा so तो आपकी जो छोटी डिस्क है वो यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है ठीक है अब देखिए यहां पर इसकी रोटेशन की वजह से जो है सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्सेज होंगे ठीक है इंटरनल फोर्सेज हैं उनका जब आप टॉर्क देखेंगे तो वो टॉर्क जो है इंटरनल फोर्सेस का टॉर्क जीरो आ जाएगा इंटरनल सिस्टम के अंदर तो इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क बाहर से टॉर्क नहीं है इसलिए हम कंप्लीट सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे ये इंपॉर्टेंट चीज थी इस प्रॉब्लम के अंदर ठीक है मोटर इज स्विच ऑन सो दैट द स्मॉलर डिस्कोटेट्स एट एफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा इफ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्ज रोटेट इज ओमेगा बाय एन वट इज द वैल्यू ऑफ एन ठीक है तो हम बोल देते हैं जो लार्ज डिस्क है भाई एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हम बोलेंगे कि ये उल्टे डायरेक्शन के अंदर ओमेगा डैश से रोटेट कर रही होगी ये ऐसे रोटेट कर रही है और अगर आप देखेंगे तो, ये तो मैंने सेम ही बना दिया इसको ऐसे बनाना पड़ेगा मुझे तो मैं इसका डायरेक्शन रिवर्स करके दिखा देता हूं यहां पर कि सर ये ऐसे कुछ रोटेट कर रहा होगा ऐसा ठीक है ये ऐसे रोटेट कर रही है अब देखिए अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना हूं तो आई एम कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम एल आई इज इक्वल्स टू एल एफ अक्रॉस दी एक्सिस ऑफ बिगर डिस्क इनिशियली सिस्टम का कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था बाद में सारी चीजें रोटेट करने लग जाती है तो मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं स्मॉल डिस्क की और बड़ी डिस्क की भी यहां पर बात कर लेता हूं बड़ी डिस्क के लिए जो है मैं सबसे पहले लिखूंगा उसी के एक्सिस अक्रॉस कर रहा हूं तो बोलूंगा एम आर स्क्वायर डिवाइड by टू इन टू ओमेगा डैश ठीक है पहली चीज तो आपने ये लिखी प्लस साथ साथ में ये ट्रांसलेट भी करेगी बच्चों ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी थी यहां पर तो आप बोलेंगे सर यहां पर जो है आपको पता है दैट एंगुलर मोमेंटम आप इस तरह से देते हैं अगर ट्रांसलेशन भी है साथ साथ में रोटेशन भी है तो आप देते हैं आई ओमेगा प्लस आर क्रॉस पी वही चीज यूज कर रहा हूं डिस्टेंस जो है आपकी R के बराबर है एंड पी मास आपका आ जाता है यहां पे देन आप देखेंगे सर डिस्टेंस आर है एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया पी के अंदर बेसिकली आपको वेलोसिटी डालनी होती है वेलोसिटी डालने के लिए जो है मैं इस तरह से डेटा को यूज कर रहा हूं यहां पर ठीक है इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू नहीं लगा के मैं माइनस साइन लगा के लिख देता हूं यहां पर बिकॉज ये कंप्लीट फाइनल एंगुलर मोमेंटम मैं लिख रहा हूं यहां पे माइनस अब यहां पर जो है हमें मालूम है इसका खुद की एक्सिस होता है देख लेते हैं यहां पर एम ठीक है मैं इसे नीचे लिख देता हूं बच्चों यहां पर एंड आपको दोबारा से बता देता हूं क्या चीज मैं लिख रहा हूं यहां पर होपफुली इतनी तो बात समझ में आई गई होगी ठीक है ये जो है फर्स्ट पार्ट था बच्चों प्रॉब्लम का इसके बाद जब मैं सेकंड डिस्क का वहां पर लिख रहा हूं तो सेकंड डिस्क के लिखते लिखते वक्त जो है क्या करना है मुझे देखना भाई माइनस साइन मास ऑफ बचोज डिस्क का एम ही है बट रेडियस आपकी आर बाई टू की है तो रेडियस को आर बाय टू इस्तेमाल करते हैं यहां पे आर बाय टू होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू ये पहले ओमेगा डैश ही चल रहा था ये ओमेगा है इट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू जीरो तो आपने अक्रॉस दी एक्सेस ऑफ बिगर डिस्क आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया देखते हैं कि क्या आंसर यहां से बनता है सर ये भी एम आर स्क्वायर हो जाएगा ये ओमेगा डैश बाई टू है तो आप जब ऐड करेंगे सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू चीजों को इधर उधर अरेंज करेंगे तो इसका स्क्वायर करते ही, ये फोर हो जाएगा फोर और नीचे टू तो एट हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एट ठीक है मास कैंसिल हो जाता है रेडियस स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ओमेगा डैश की जो वैल्यू निकल के आती है आपकी ये निकल के आ रही है आप देख पा रहे हैं ओमेगा बाय ट्वेल्व तो क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो बट यस कहां किस जगह पर मोमेंटम कंजर्व करना है ये आपको इसके अंदर देखना था दोनों ही डिस्क यहां पर रोटेट कर रही है ठीक है एक डिस्क के अंदर ट्रांसलेशनल इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा और एक डिस्क जो है वो रोटेट जो है सिर्फ अपने रोटेशन इफेक्ट शो करेगी ठीक है तो दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि भाई एन की वैल्यू यहां पर आ जाती है।, so 12. है इसके अंदर बोला गया है कि ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था मालूज लॉ जो है आप पढ़ते हैं आपको पता है कि पोलराइजेशन इफेक्ट के अंदर क्या होता है देखते हैं पॉइंट सोर्स एस एमिट्स अनपोलराइज लाइट यूनिफॉर्मली एंड बी रेशियो आर तो आर जो रेशियो है आपको यहां पर बोला है इंटेंसिटीज का रेशियो है ये इंटेंसिटीज का रेशियो दे रखा है आई ए अपॉन आईबी के बराबर चलिए आगे देखिए और ये रेशियो की वैल्यू टू दे रखी है बच्चों सेविंग फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बिटवीन देयर पास एक्सेस ठीक है तो आपने दो पोलोराइड यहां पर लगा दिए हैं मैं ऐसे लेंस जैसे दिखा रहा हूं पर समझना कि ये दो पोलोराइड्स हैं इनकी जो पास एक्सेस है वो फोर्टी फाइव डिग्री पे इंक्लाइंड है ठीक है फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बिटवीन देयर पास एक्सेसिस ठीक है यहां पर जो है आपकी अनपोलराइज लाइट आ रही है आपको पता है, कि जब पहले से करती है तो आपने ठीक है तो मैं देखता हूं पर क्या? पे बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये का है। पहले जो लाइट है उसकी हो पे। जब पहले से पास होगी तो वो आई बी बाई टू हो जाएगी आपको पता है देन इसके बाद जो एक्सेस होती है पास एक्सेस उसका इफेक्ट यूज करते हैं बाई दी हेल्प ऑफ मॉलूस आई बी बाई टू कॉस स्क्वायर फाइव अगर आपको याद है तो ऐसा जो है रिजल्ट आपका फाइनल इंटेंसिटी का आता है अब आपको पता है कि वो 45 डिग्री एंगल है, तो कॉस करेंगे तो वो बन जाएगा इंटेंसिटी आईबी आती थी उसकी जगह आईबी बाई फोर आने लग गई अब पूछा है वैल्यू the आप बोलेंगे सर आई ए न्यू डिवाइड बाय आई बी न्यू सर आई ए के बारे में कुछ नहीं बोला है तो नो इंपैक्ट एंड आई बी न्यू आपको पता है वो कितना हो जाएगा आई बी बाय फोर तो फोर ऊपर चला गया इट इज फोर टाइम्स ऑफ ओल्ड वैल्यू ऑफ आर आर ओल्ड है ना आई ए बाय आई बी दैट इज इक्वल्स टू तो आपका फाइनल आंसर बच्चों यहां पर एट निकल के आ जाता है ये क्वेश्चन जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आप देख पा रहे हैं कि एट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस में से आता है यह क्वेश्चन आपका वेव ऑप्टिक्स से आता है बच्चों एंड इसके साथ साथ जो है मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन जो है इजी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा आपका चलिए आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि इलेवेंथ प्रॉब्लम कैसे करनी है हमें सॉल्व यहां पर जो है डॉपलर इफेक्ट का एक प्रॉब्लम आया था एग्जाम के अंदर साउंड चैप्टर के अंदर आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हो हालांकि जो है बहुत बार ऐसा कहा जा रहा है कि मेन से तो काट दिया गया है 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 आपको लिख पता सिलेबस में लिखा बट फॉर एडवांस यू यूनिट टू स्टडी दिस थिंग बहुत सिंपल चीज होती है कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी दी जाती है ठीक है v प्लस माइनस वी एस और ये प्लस माइनस वी नॉट ठीक है एस मीन सोर्स एंड ओ मीन ऑब्जर्वर ठीक है सोर्स नीचे आता है ऑब्जर्वर ऊपर आता है यह बात हमें ध्यान रखनी जरूरी है ठीक है पहले बोला है, 240 Hz, तो original frequency source की 240 तो की थी, था। अगर दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं एट ए स्पीड वी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड द ऑब्जर्वर मेजर्स दी frequency ऑफ द साउंड टू बी 288. दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं एफ तो डैश की वैल्यू जो है कहा गया है कि टू एटी एट के आसपास है टू एटी एट कैसे निकलेगी भाई ध्यान से देखना मैं लिख रहा हूं इसे वी और ये वी ठीक है अब यहां पर जो है वी एस और वी नॉट सेम ही है तो मैं उन्हें वी डैश बोल दे रहा हूं ठीक है अगर दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है हमें मालूम है सर इसे वी डैश लिखेंगे और इसे प्लस वी डैश देंगे ये सोर्स की ये ऑब्जर्वर की एंड मल्टीप्लाइड बाय एफ एफ की वैल्यू कितनी है और रिजल्ट बचो टू

अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे यहां लिख देता हूं तो मेरे को वैल्यू पता चल जाएगी दैट द वैल्यू ऑफ दिस इज 240 फोर्टी डिवाइड 288 टू एटी एट टू आपकी एफ डबल डैश ठीक है अगर मैं चेक करूंगा यहां पर तो 24 की टेबल में 10 टाइम्स 24 की टेबल में 12 टाइम्स 20 टाइम्स 200 हंड्रेड हर्ड इज देंसर सो दैट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है तो टू हंड्रेड हर्ड इसका आंसर निकल के आ जाता है मैं आपको फिर से इस क्वेश्चन के बारे में एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं दैट फर्स्ट थिंग कि ये जो क्वेश्चन है ये ये आया कहां से था ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास इलेवेंथ के टॉपिक से है ठीक है ये जो है साउंड चैप्टर से पढ़ाया गया है साउंड में पढ़ाया जाता है आपको ये जो है आप डॉपलर इफेक्ट के नाम से पढ़ते हैं तो यह डॉपलर इफेक्ट का जो है बच्चों क्वेश्चन था एंड अगेन इस क्वेश्चन को जो है

फ्लुइड चैप्टर से पूछा गया है ठीक है एंड आंसर की भी बात कर लेते हैं कि सर आंसर क्या निकल के आएगा इसका आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम वाज 3 इसका आंसर बच्चों यहां पर 3 निकल के आते हैं। अब प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है यहां पे टू लार्ज आइडेंटिकल वाटर टैंक्स 1 एंड 2 केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h ठीक है तो दो वाटर टैंक रखे हुए हैं बिल्डिंग की जो हाइट दे रखी है वो हाइट जो है यहाँ पर एच के बराबर है ठीक है आगे देखिए क्या वो लगे वॉटर है, तो है दोनों में पानी भर रखा है आगे समझते हैं बोधी कंटेन कंटेनर आइडेंटिकल होल ऑफ स्मॉल रेडियस ऑन देयर साइड्स तो ये स्मॉल होल है यहां पर इसके साइड पे और ये भी एक स्मॉल होल है यहां पर साइड पे ठीक है जो आपकी वॉल थी वो यहीं पर खत्म हो चुकी है ठीक है तो ये जो वॉल थी वो यहीं तक खत्म हो चुकी है और सिमिलरली इसके आगे भी यहां पर वॉल नहीं है ठीक है जिससे कि चीजों की क्लैरिटी बनी रहे ठीक है अब आगे देखते हैं अब बोला है कि स्मॉल होल है यहां पर अ पाइप ऑफ सेम इंटरनल रेडियस एज दैट ऑफ द होल इज कनेक्टेड टू टैंक टू तो ये टैंक वन था आपका ये टैंक टू था टैंक टू से जो है एक छोटा सा पाइप इसी होल वाला जो है आपने कनेक्ट कर दिया

कुछ एच की वैल्यू दे रखी है आपसे का रेशो पूछा है टाइम निकालने वाली आप ऑलरेडी क्लास में करते ही हैं आप बोलते हैं सर यहां से जो पानी निकल रहा है इसकी वेलोसिटी रूट जी के बराबर यहां से जो पानी निकल रहा है अब थोड़ी इंटरेस्टिंग बात इसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच प्लस एच के बराबर ठीक है ना यहां पर जो है हाइट पूरी आएगी क्योंकि पूरे से पानी जो है आपका बाहर निकल रहा है अब आप क्या करते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगाते हैं आप बोलते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की इक्वेशन लगाते हैं आप बोलते हैं कि जिस रेट से यहां से वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है उसी रेट से यहां से वॉल्यूम निकल रहा है होल से तो मैं पहले वाले कंटेनर के लिए सबसे पहले आपको सॉल्व करके दिखाता हूं पहले वाला बहुत बेसिक एंड ईजी है तो पहले के लिए अगर हम बात करेंगे यहां पर तो हम बोलेंगे सर फर्स्ट कंटेनर से जब पानी बाहर निकल रहा है ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी तो आप बोलेंगे ए उसका छोटा एरिया तो ए छोटा ले लिया इन टू रूट टू जी एच इज इक्वल्स टू बड़े वाले का एरिया ए अब देखना इसका पानी का लेवल घट रहा है दैट इज वाई माइनस डीएच बाई डी टी आई होप आपने ऐसी कैलकुलेशन जरूर क्लास के अंदर करी होगी ठीक है अब मैं क्या करता हूं चीजों को अरेंज कर लेता हूं मैं बोलता हूं ए अपॉन कैपिटल ए माइनस भी ले आया रूट टू जी इधर ही लिखा हुआ है एंड इधर जो है डीएच अपॉन रूट एच बन जाता है वेन यू इंटीग्रेट अच्छा डी टी क्यों भूल गए सर ये डी टी आ गया और ये आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया यहां पे, ठीक है अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो देखते हैं कि क्या चीज आपकी फाइनली यहां पर बन रही है तो आप देखेंगे यहां पर सर, पहले था, तब फुल्ली फिल्ड था हाइट है तक टाइम टी पे जो है एम टी हो गया जीरो हाइट तक पहुंच गया है ना इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस ए बाय टू जी और ये टाइम

ये आपका फर्स्ट सिचुएशन में रिजल्ट निकल के आ रहा है ठीक है टी वन की वैल्यू और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने चीज क्लास में तो पढ़ी भी होगी ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए सेकेंड कंटेनर में जब मैं इक्वेशन लगाता हूं सेकेंड कंटेनर के लिए मैं बोलूंगा सर इस रेट से पानी बाहर निकल रहा है तो ए इंटू थोड़ा सा इसने नाटक किया यहां पर देखते हैं कि क्या होगा रूट टू जी एच प्लस एच इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू डी एच बाई डी टी आई होप आई यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग माइनस क्यों लगा रहा हूं क्योंकि वहां पर जो है डिक्रीज हो रहा है ठीक है अब मैं क्या करूंगा चीजों को अरेंज कर लेता हूं सर वही सारी बातें ए अपॉन कैपिटल ए विद नेगेटिव साइन रूट टू जी हियर एंड देन डी एच अपॉन रूट ऑफ स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच लेट मी इंटीग्रेट ऑन बोथ दाइड्स सेम गलती सर आपने दोबारा कर दी है डी टी लिखना भूल गए हो ठीक है कोई दिक्कत नहीं डी टी यहां पर डाल देते हैं ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इधर डी टी आ गया है इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट करने के बाद दोनों आपका जो आंसर यहां पे निकल के आ रहा है सर टाइम जीरो पे हाइट एच थी किसी टाइम टी पे दो कि टी टू होगा हाइट जो है आपकी जीरो हो जाएगी ठीक है अब ध्यान रखना

एच प्लस एच जब मैं लिमिट डालूंगा यहाँ पर एच से जीरो नेगेटिव साइन आएगा तो ये नेगेटिव से कट जाएगा टी टू की जो वैल्यू निकल के आएगी अगर आप अरेंज करेंगे तो आपको दिख जाएगा सर यहाँ पर मैं डेटा डालूंगा तो मुझे दिख रहा है सर ए तो पहले इधर आ गया टू अंदर चला गया एच डाला एच की जगह ओके तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर आपको यहां पर नेगेटिव साइन में जो है आएगा फिर ये नेगेटिव एब्जॉर्ब भी करना है ठीक है तो दोनों चीजों को एक साथ यूज करते हुए अगर आप देखेंगे यहां पर तो पहले एच प्लस एच बनेगा वो फिर बाद में माइनस साइन के साथ ओके तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा बच्चों ये ठीक है जल्दबाजी में गलत ना हो जाए इसलिए मैं पूरा स्टेप जो है यहां पर आपको दिखा रहा हूं डाल के सर ए बाई ए रूट टू जी टी टू इज इक्वल ऑफ पहले जीरो डाला बच्चों तो उससे बना रूट एच फिर माइनस साइन के साथ ये बना एच प्लस एच है ना ये माइनस इधर एब्जॉर्ब हुआ तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया ठीक है आपकी वैल्यू जो टी टू की निकल के आई तो अभी इसी तरह से रखेंगे अपन इस चीज को आपकी जो वैल्यू आपको दिखेगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ जी एंड ये ए बाय एंड इसके अंदर जो है आपका रूट ऑफ एच प्लस एच माइनस रूट एच अब आप क्या करें इसके अंदर फाइनल रिजल्ट के अंदर एच की वैल्यू डाल दीजिए एच की वैल्यू बोल रखी है अगर मैं 16 9 रख देता हूं कैपिटल की वैल्यू तो सिक्सटीन बाई नाइन रखते ट्वेंटी फाइव बाई नाइन हुआ ट्वेंटी फाइव बाय नाइन जो है आपका देखते चलना बच्चों ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इजी ही है ठीक है तो यहां पर जो है ड करा तो आपका जो है ट्वेंटी फाइव बाई नाइन हुआ थ्री तो ये आपका निकल के आया फाइव बाई थ्री टाइम्स ऑफ होपफुली मैंने कैपिटल एच की वैल्यू ही रखी है देख लेता हूं परस फाइव बाई थ्री टाइम्स ऑफ एच माइनस जैसे आप सिक्सटीन बाई नाइन लिखेंगे फोर बाई थ्री टाइम्स ऑफ एच ये निकल के आ जाएगा आप देखेंगे सर इसको सॉल्व अगर हम करने जाते हैं यहां पे तो अच्छा ध्यान रखना h तो रूट में ही रहा है अभी भी h रूट में ही रहा है तो इसे मैं अरेंज करके लिख देता हूं सर ए बाई ए टाइम्स ऑफ रूट टू एच बाई जी फाइव बाई थ्री माइनस फोर बाई थ्री करने से वन बाई थ्री आपका एडिशनली एक्स्ट्रा आ जाता है तो आप देख रहे हैं कि जो भाई टी टू की जो वैल्यू है उसमें वन बाय थ्री एक्स्ट्रा आ रहा है और यहां पर रूट टू एच बाई जी ए बाई ए सेम है तो अगर आप डिवाइड करेंगे टी वन बाई टी टू तो ये चीज तो बट ऑब्वियस हो जाती है कि आंसर जो है वन बाय थ्री होने की वजह से थ्री बन जाएगा वो टेटू रिवर्स होकर आपका फाइनल रिजल्ट में चला जाएगा आई होप समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन करना है ये क्वेश्चन मॉडरेट दिया गया क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन था बट कोई कॉन्सेप्ट नहीं था लेट प्रॉब्लम 13. 13 देखते हैं बच्चों यहाँ पे थर्टीन अच्छा प्रॉब्लम है कि, यहां पर, कि कैसे यहां पर एक रॉड जो है वो रोटेट कर रही है ठीक है तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा अच्छा लगा था कि देखते हैं इसमें क्या करना है समझते हैं थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल

ठीक है फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड देन द रॉड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टूगेदर अराउंड द पॉइंट ओ विद द रॉड रिमेनिंग अलाइंड स्ट्रिंग इन सच ए केस द वैल्यू ऑफ एन इज अब देखो सेंटर के अक्रॉस इस रॉड का जो है रोटेशनल मोशन हो रहा है ठीक है सो अक्रॉस ओ हम देख सकते हैं दैट अक्रॉस ओ अक्रॉस ओ रॉड विल डू प्योर रोटेशनल मोशन पहली चीज ऐसे क्वेश्चंस को डील कैसे करना है इसमें बहुत सिंपल सी चीज होती है कि जो आपने एंगुलर इम्पल्स यहां पर प्रोवाइड किया है उसका जो है इक्वेट करना है आपको आप बोलेंगे सर देखिए ये जो है आपने पी फोर्स लगाया पर पी एंगुलर इम्पल्स जो इंपल्स लगाया ठीक है आर क्रॉस पी आर क्रॉस पी ये आपने लगाया इसी की वजह से रॉड के अंदर क्या आया आई ओमेगा ये इक्वेट करते ही प्रॉब्लम आपकी यहां पर सॉल्व हो जाएगी जरा देखते हैं भाई किस तरह से किया जाएगा यहां पर तो आपने बोला कि सर आर पहली चीज तो कितने डिस्टेंस पे लगा रहे हैं उस चीज को समझना है यहां पर इससे जो है आपका प्रॉब्लम बढ़िया हो जाएगा मैं आपको इसका आंसर भी बता देता हूं बच्चों सबसे पहली चीज तो पता होना चाहिए कि भाई आंसर क्या है अट्ठारह इसका आंसर आएगा ठीक है ये आपका जो है क्लास इलेवंथ का टॉपिक है इलेवेंथ क्लास का जो टॉपिक था रोटेशन उसका एक बढ़िया क्वेश्चन इसे आप मॉडरेट या फिर टफ की कैटेगरी में मान सकते हैं ये क्वेश्चन ज्यादा इजी जो है नहीं है इजी कैटेगरी में हम इसे काउंट नहीं करेंगे ठीक है अब देखिए जो मैं आपको बात कह रहा हूं यहां पर कि आप सबसे पहले जो है ये समझने की इक्वेशन यहां पर क्या लगेगी तो आपने जैसे ये बोला आर क्रॉस पी इज इक्वल टू आई इन टू ओमेगा पहली चीज यहां पर जो है डिस्टेंस कितना है भाई कितने डिस्टेंस पे एंगुलर इंपल्स लगा है यहां पर तो आप डिस्टेंस कैसे लिखेंगे सर ये एल ये एल बाई टू थ्री एल बाई टू और उसमें एक्स तो टोटल डिस्टेंस जहां पर इंपल्स लगी है वो है एक्स प्लस थ्री एल बाई टू अभी एंगुलर इंपल्स जो लगी है उसकी वैल्यू कितनी होगी सर इसी इंपल्स की वजह से तो ट्रांसलेशनल मोशन आएगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द रॉड कितना दिया है नहीं दिया है एम ले, ले लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लिखा तो होगा इन्होंने मास का नाम नहीं लिया पर ले लेते हैं लेतेम इनिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप देख रहे हैं पी क्या है वहां पर मोमेंटम ऑफ द रोड ठीक है और मोमेंटम को जो हम आर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पर हमें पता चल जाएगा कि एंगुलर इंपल्स कितनी लगी यहां पे इसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे सर इट विल बी टू ओमेगा है ना अब आई किसके अक्रॉस लेंगे आप

ठीक है x प्लस थ्री एल बाय टू एम इंटू वी नाउ आप समझिए vc, समझ VC की वैल्यू क्या होगी सेंटर ऑफ मास की कितनी वेलोसिटी है वो देखना है हमें दैट विल बी ओमेगा इंटू आर सर ओमेगा इंटू थ्री एल बाय टू इज इक्वल्स टू यहां पर एम एल स्क्वायर बाय ट्वेल्व प्लस नाइन एम एल स्क्वायर बाय फोर इंटू ओमेगा ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट कर देते हैं मास भी कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ठीक है एक लेंथ की वैल्यू भी आप कैंसिल कर सकते हैं यहां पे वैसे बाद में भी कट जाता पर मैंने लिख दिया है एक्स प्लस थ्री एल बाई टू एंड बाहर की तरफ देखेंगे थ्री बाय टू लिखा हुआ है यहाँ पे दैट विल बी इक्वल एंड टू आप बच्चों देख पा रहे होंगे एल बाई ट्वेल्व है यहां पर और नाइन एल बाय फोर के बराबर है ये अब देखो एल सी एम लो ट्वेंटी सेवन और एक ट्वेंटी एट हो जाएगा यहाँ पे तो आप देखेंगे सर ये लिखा हुआ है ट्वेंटी एट एल बाय ट्वेल्व ठीक है ना चेक कर लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है hmm. आगे देखते हैं भाई सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई ठीक है अब जो है चल रहा है आगे खेल देखते हैं एक्स प्लस थ्री एल बाय टू इज इक्वल्स टू थ्री नीचे ले जाओ ट्वेंटी एट एल बायीन इसे चाहूं तो सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं इसे लिख सकता हूं फोर्टीन एल बाय नाइन के बराबर ठीक है आई होप आई एम वेरी क्लोज टू दी आंसर आ ही जाएगा आंसर x प्लस थ्री एल बाय टू इज इक्वल्स टू आगे लिखा हुआ है फोर्टीन एल बाय नाइन सिंप्लीफाई करने का कोई फायदा हुआ नहीं वैसे फोर्टीन एल बाय नाइन माइनस थ्री एल बाय टू एटीन ट्वेंटी एट एल ट्वेंटी सेवन एल एल बाय एटीन इज द फाइनल आंसर ऑफ एक्स और इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू को ही l by n लिखा गया है एंड फाइन ऑफ n n की वैल्यू बच्चों से प्रॉब्लम बड़ी अच्छी थी कि आपको मोशन होगा सेंटर के अक्रॉस ठीक है इसीलिए आर क्रॉस टू आई ओमेगा में आई जो है सेंटर के अक्रॉस लिया बिकॉज सेंटर के अक्रॉस रोटेशनल मोशन हो रहा है ठीक है एंड आर जो है आपका जिस पॉइंट पे आपने जो है ये फोर्स इम्पल्सिव फोर्स लगाया जिसकी वजह से मोमेंटम मिला वो वाला पॉइंट यूज किया है ठीक है होपफुली समझ गए होंगे थर्टीन प्रॉब्लम लेस मूड नेक्स्ट प्रॉब्लम फोर्टीन प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों यहां पर ठीक है तो यार इस तरह से आपका जो है ये सेक्शन भी जो है समाप्त होता है इसके बाद जो है आपके सामने जो है मैच द कॉलम के सोल्यूशन करेंगे